खबर पौड़ी से है, जहां बीरोखाल बस हादसे के बाद जिला प्रशासन कस्ता हाल सड़कों की स्थिति को लेकर सतर्क हो गया है। वहीं डीएम ने सड़क सुरक्षा अभियान की मासिक बैठक ली। बैठक में अफसरों को खस्ता हाल सड़कों का निरीक्षण कर उन्हें जल्द सुधारने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि जिला कार्यालय सभागार में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जुगदंडे ने सड़क मार्गों का निरीक्षण और सुधारीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। डीएम ने लोक निर्माण विभाग सहित सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों को मोटर मार्गों का निरीक्षण करने और सुधारीकरण की रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ डीएम ने कहा कि जहां पर सुधारीकरण की जरूरत है उस कार्य को तेजी से पूर्ण करें। इसके अलावा मोटर मार्गों की तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। डीएम ने सभी संबंधित रेखीय अफसरों को निर्देशित किया, हाल ही में जो दुर्घटनाएं घटित हुई हैं उन जगहों का स्थलीय निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण करते हुए दुर्घटना के कारणों का पता करें, उसके अनुरूप सुधारीकरण के लिए डीपीआर तैयार किया जाए। पौड़ी से मुकेश पचते की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा समिति का बैठक का आज आयोजन किया गया। इस बैठक में जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं पूर्व में उन घटनाओं के ऊपर चर्चा किया गया है। कुछ स्थानों पर जहां बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं वहां की डीपीआर तैयार करने के निर्देश पूर्व में दिए थे। आज की बैठक में इसकी समीक्षा किया गया है। सिमडी में जहां पे बस दुर्घटना हुई थी उस सड़क का प्रस्ताव भी जो है शासन को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा जो बड़े एनएच नेशनल हाईवे जनपद से गुजरते हैं और जो स्टेट हाईवे जनपद में गुजरते हैं उनके बारे में भी समीक्षा किया गया है।